महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत मिला हो, मगर सरकार नतीजों के आई कई दिन बीत जाने के बावजूद प्रदेश में अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। दोनों दलों के बीच सीएम की कुर्सी और मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर खींचतान चल रही है। इन सबके बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख से मुलाकात कर सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। प्रदेश में जिस तरह तेजी से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, उससे अब सवाल उठ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं पवार बनेंगे किंग मेकर? आखिर 24 घंटे में ही शिवसेना ने कैसे पलट दिया गेम? असल में जब शिवसेना विधायकों की बैठक हुई तो उम्मीद थी कि राज्य में गतिरोध खत्म होगा, मगर बैठक के बाद संजय राउत जब शरद पवार से मिलने पहुंचे तो हलचल मच गई। वैसे तो संजय राउत इसे दिवाली की बधाई वाली मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खबरों की माने तो संजय राउत से मुलाकात के बाद शरद पवार के घर पर एनसीपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सुप्रिया सुले और अजीत पवार समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि इस बैठक के बाद पार्टी की ओर से बयान दिया गया कि हमें विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिला है, ऐसे में शिवसेना के प्रस्ताव पर सोचने का विचार नहीं है। लेकिन इन मुलाकातों और बैठकों के दौर के बाद कांग्रेस खेमे में बड़ी सक्रियता से भी प्रदेश में सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, पवार से मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत के तेवर भी खासा तल्ख नजर आ रहे हैं। मुलाकात के बाद एक और संजय राउत ने बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए दावा किया है कि अगर शिवसेना चाहे तो अपने दम पर राज्य में सरकार बना सकती है। राउत का कहना है कि अगर शिवसेना फैसला करती है तो उसे स्थिर सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या मिल जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी पर तंज कसते हुए राउत ने कह डाला कि सरकार गठन को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमने बीजेपी को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है, वो बड़े लोग हैं। और इसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है कि शिवसेना सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से समर्थन ले सकती है। हालांकि सियासी जानकारों की माने तो शरद पवार से शिवसेना नेता की मुलाकात बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र का किंग मेकर आखिर कौन बनता है, बीजेपी या फिर शिवसेना। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।